नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी जनरेटर के एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमने आपको अच्छे से समझ में आया, इसके लिए एप्लीकेशंस को हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डीसी जनरेटर्स के अकॉर्डिंग किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो बच्चों उसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उसको हम बैटरी चार्जिंग पर्पस में यूज करते हैं। जैसे बैटरी चार्जिंग वेरियस एप्लीकेशंस लाइक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में हम बात कर सकते हैं, ऑटोमोटिव सिस्टम में बात कर सकते हैं। यूपीएस एक कॉमन टूल है, जो आप कॉमन डिवाइस है जो आप जानते हैं। इन सभी के बैटरी चार्जिंग में हम बैटरी चार्जिंग एप्लीकेशंस में डीसी जनरेटर्स को यूज करते हैं। सिमिलरली सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज करते हैं बच्चों, डायरेक्ट करंट के फॉर्म में, जहां रिक्वायरमेंट होती है टू डिपॉजिट करना मेटल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को चार्ज डिस्चार्ज करने में, वहां हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को यूज करते हैं। लेबोरेटरी पावर सप्लाईज में जो भी डीसी पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, वहां हम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को यूज करेंगे। बच्चों सेकेंड टाइप है शंट वाउंड डीसी जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम जनरल पावर सप्लाई में यूज करते हैं, जो मीडियम साइज और स्मॉल साइज के लोड एप्लीकेशंस के लिए इफेक्टिव होता है। स्ट्रीट लाइटिंग एक कॉमन एप्लीकेशन है जो हम पहले यूज किया करते थे शंट वाउंड डीसी जनरेटर को। ट्रैक्शन में आज भी हम डीसी मशीन पे डिपेंडेंट है, तो ट्रैक्शन सिस्टम में हम स्पेशली ट्रैक्शन में मैं ट्रेन्स और ट्राम्स के बारे में बोल सकता हूँ कि वहाँ जो नेसेसरी मोटर्स हैं उनके ऑपरेशंस के लिए हम डीसी वाउंड शंट जनरेटर को यूज करते हैं। तीसरा सीरीज वाउंड डीसी जनरेटर का मैं चर्चा करूंगा। उसको भी सेम शंट की तरह हम ट्रैक्शन सिस्टम में यूज करते हैं। आप जानते हैं जब हम मोटर की बात करते हैं तो डीसी सीरीज मोटर काफी डोमिनेट करता है, और आज भी जहाँ पे हम डीसी जनरेशन नहीं कर रहे हैं वहाँ भी आज भी मेजरली ट्रैक्शन सिस्टम में हम डीसी सीरीज मोटर को यूज करते हैं। सेम ऐसे ही डीसी सीरीज जनरेटर को हम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में उसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से यूज करते हैं। क्रेन्स और होस्ट में भी हम इसको यूज करते हैं। आर्क वेल्डिंग एप्लीकेशंस में हम डीसी सीरीज जनरेटर को यूज करते हैं। आइए हम सीरीज और शंट दोनों के मिक्स यानी कंपाउंड के एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में कंपाउंड जनरेटर मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर सीरीज और शंट दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। बैटरी चार्जिंग पावर प्लांट में जो बैटरी बैकअप चार्जिंग के लिए हम ऑक्सिलरी पावर डेवलप करते हैं, वहाँ हम कंपाउंड डीसी जनरेटर को प्रीफर करते हैं। रोलिंग मिल्स में जो मोटर्स को हम ऑपरेट करते हैं उसके सप्लाई के लिए हम कंपाउंड डीसी जनरेटर को यूज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का भी यूज समझ लेते हैं। पोर्टेबल डिवाइस जो स्मॉल रेटिंग को स्मॉल जो हैंडी हो, लाइक मैं बोल सकता हूँ हैंड क्रैंक रेडियोस, फ्लैश लाइट्स या फिर इन सब ऐसे लाइट वेट जो भी पावर डिवाइसेस होंगे, वहाँ हम परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर को प्रीफर करेंगे। विंड टर्बाइंस में लो रेटिंग्स में मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्मॉल स्केल विंड टर्बाइंस में हम इसको पहले प्रीफर करते थे। बाइसिकल जनरेटर्स एक कॉमन एग्जांपल है, जो आप जानते हैं कैसे हम बाइसिकल में पैडल के मोशन को ऑपरेट करके अपने डायनेमो को जनरेटर को ऑपरेट करके बिजली बनाते हैं। उन सब जगहों पे जहाँ हैंडी ऑपरेशन हो, जहाँ लो पावर ऑपरेशन हो, हम परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर को प्रीफर कर सकते हैं। That's all about this video. Thank you so much.